राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही खुशी की बात है कि अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपके हिंदी अनिवार्य में पुनः एक संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें पहले जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था उसका अपन ने वीडियो भी बनाया और वीडियो भी जारी किया गया। उसमें बहुत कम पाठ हटाए गए थे, उसमें केवल व्याकरण व्याकरण हटाई गई थी, जबकि आपके तीन किताबें और भी हैं, उन किताबों में से कोई भी पाठ नहीं हटाया गया था। और अब उन सभी किताबों में से भी कुछ पाठ हटा करके जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है, इस पाठ्यक्रम पर आज हम दृष्टिपात करते हैं और इस पर विचार करते हैं कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम आएगा, अब आपके कैसे प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का क्या अंक भार होगा, क्या आपके पाठ जो हटे हैं वो सरल थे या कठिन थे, इस प्रकार पर हम सारी चर्चा आज करेंगे। देखिए, ये जो सबसे पहले अपन देख रहे हैं 2021 के लिए जो हटाया गया भाग है वो है और अनिवार्य हिंदी का, आपके अपठित बोध में गद्यांश और पद्यांश। ध्यान दें, गद्यांश और पद्यांश दो आया करते हैं, गद्यांश और पद्यांश दोनों आया करते हैं, दोनों ही दोनों में से आपके ये हटा दिया है, पद्यांश हटा दिया है। अब आपके एक गद्यांश गद्यांश यानी गद्यांश आएगा, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 8 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 8 अंकों का। यह पद्यांश आपके नहीं आएगा। अब व्याकरण में देखिए, आपके कौन कौन से व्याकरण में आपके पद परिचय हटा दिया गया है, शब्द शक्ति हटा दिया गया है, और इसमें से अलंकार जो थे उनमें से रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास ये हटा दिए हैं, इनमें से ये हटा दिए हैं। अब आपके अनुप्रास, श्लेष और यमक और आपके उपमा, ये 4 अलंकार है वो शेष रह गए हैं, बाकी हटा दिए गए हैं, 4 अलंकार हटा दिए गए। और ये तो पहले ही हटा दिया गया था, इस पर अपना एक वीडियो भी बना दिया गया है जिसे आप वहां से देख सकते हैं। पत्र लेखन में आपके ज्ञापन और अधिसूचना ये पहले भी हटाया हुआ था और अब भी उसमें भी हटाया हुआ, अधिसूचना और ज्ञापन है वो हटा दिया गया है। अब आपके किताब आती है सृजन, और ये सृजन किताब आपके 32 अंकों की है। कितने अंकों की है? 32 अंकों की है। व्याकरण आपके 16 अंकों की है। कितने की? 16 अंकों की। यानी इसको यदि हम समझे तो 16 की व्याकरण, 16 अंकों की व्याकरण, 32 अंकों की आपके ये हो गई सृजन, और 12 अंकों की हो गई पीयूष प्रवाह, और 12 अंकों की होगी संवाद सेतु, और 8 नंबर का हो गया अपठित बोध, और कुल मिलाकर के ये कितने अंक हो जाते हैं? 80 अंक हो जाते हैं। 80 अंकों का आपके पेपर होगा, यानी 16 32 48 12 60 60 12 72 72 8 80, 80 अंकों का हो जाता है। अब देखिए, इसमें ये 32 अंकों की पुस्तक है, इसमें से आपके एक तो ये मजदूरी और प्रेम ये हटा दिया गया है, अब आपको ये पाठ नहीं पढ़ना है। भीमराव अंबेडकर का जो पाठ लिखा हुआ है सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, ये जो भाषण का अंश था ये आपके हटा दिया गया, अब इसको भी नहीं पढ़ना है। कन्यालाल मिश्र प्रभाकर का एक मैं और मैं जो निबंध लिखा हुआ है ये भी आपके हटा दिया गया, ये पाठ भी अब नहीं पढ़ना है। ये किसमें से हटाए गए? सृजन में से हटाए गए। सृजन में से ये 3 पाठ तो गद्य का आपको अभी नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं पद्य में क्या हटाया है। ये आपके पद्य में देखिए, काव्यखंड में ये जो पहला ही पाठ है संत वाणी वाला, कबीर तुलसी और कृपाराम, ये तीनों इनमें ये हटा दिया गया है, संत वाणी हटा दिया गया है। इसके बाद आपके हरिवंश राय बच्चन का जो पाठ लिखा हुआ है कौन सा, आत्म परिचय, ये आपके हटा दिया गया है। कुंवर नारायण का लिखा हुआ पाठ है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये भी आपके हटा दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ पाठ जो कविता थी मेरा नया बचपन, ये कविताएं हैं सारी, ये गई, ये भी कविता है, ये भी कविताएं हैं और ये भी कविता, ये भी हटा दिया गया है। अर्थात इसमें से 3 गद्य में से, यानी गद्यांश में से कितने पाठ हट गए आपके? गद्यांश में से 3 और पद्यांश में से आपके 4, 3 + 4 यानी 7 पाठ है वो आपके हटा दिए गए हैं। अब आते हैं अपन पीयूष प्रवाह पर। पीयूष प्रवाह पर आपके देखिए, ये उपन्यास का अंश है जो आपके, ये बहुत ही अच्छा पाठ था वैसे, अमृतलाल नागर का लिखा हुआ मानस का हंस, ये हटा दिया गया है। सेठ गोविंददास का लिखा हुआ कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, ये भी बहुत अच्छा पाठ था, ये भी हटा दिया गया है, इस पाठ को भी
हटा दिया है। इसके बाद ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं शास्तियां, ये पार्ट भी आपके हटा दिया गया है। इसमें से किसमें? पीयूष प्रवाह में से। पीयूष प्रवाह में से इतने पार्ट, तीन पार्ट हटा दिए गए हैं। आगे देखिए, अब अपने ये जो था हटाए हुए पार्ट थे, अब इसमें कौन कौन से में हटाया था? एक तो पीयूष प्रवाह में हटाया है, सर्जन में हटाया है, और किस में हटाया है? और आपके व्याकरण में हटाया है। ठीक है, एक चौथी जो आपकी किताब बचती है वो है संवाद सेतु। संवाद सेतु में से अभी कोई भी पार्ट नहीं हटाया है, ये ध्यान रखेंगे। इसके जितने भी पार्ट है वो बरकरार है, अभी भी उनको पढ़ना है। पीयूष प्रवाह में से आपके पार्ट हट गए तीन, कौन कौन से? चौथा, पांचवा और सातवां। चौथा, पांचवा और सातवां। सृजन में से आपके पार्ट हट गए सात, तीन गद्य में से हट गए, चार पद्य में से हट गए, और व्याकरण में से भी काफी टॉपिक है वो हट गए हैं। अब चलते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन से पाठ है जो रह गए हैं। देखिए, अब संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आप ध्यान से देखें कि पेपर वही है, परीक्षा का पैटर्न 3.5 घंटे का ही है, पूर्णांक वही है, 80+20=100, 20 आपके सत्रांक होंगे, 80 का पेपर होगा, वही बात है। अपठित बोध आपके 8 नंबर का होगा, व्याकरण 16 नंबरों की होगी, और सृजन पुस्तक 32 की होगी। पीयूष प्रवाह के 12 अंकों के प्रश्न आएंगे, संवाद सेतु में से भी 12 के आएंगे। ये जो अपन ने पहले देखा है वही जोड़ है, अर्थात वही 80 नंबरों का है। अब बात ये बनती है कि इसमें जो पार्ट कम किए गए हैं वो हट गए हैं, तो अब जो शेष पार्ट रह गए हैं तो उनका अंक बार बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं कि कौन से प्रश्न कैसे आएंगे। भाई जैसे सृजन पुस्तक में से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने लघुत्तरात्मक आएंगे और कितने आपके अति लघुत्तरात्मक आएंगे और कितने निबंधात्मक आएंगे, व्याकरण में से कितने कितने कैसे आएंगे, पीयूष प्रवाह में से कैसे आएंगे, संवाद सेतु में से कैसे आएंगे। तो सबसे पहले तो आपके जो गद्यांश होगा वो 8 अंकों का होगा, एक गद्यांश आएगा जिसमें से प्रश्न होंगे लगभग 4, यानी लगभग 4 और 2 अंकों का एक, यानी 8 अंकों का होगा। अब व्याकरण में आपके देखिए भाषा, व्याकरण एवं लिपि, ये 2 अंकों का, और ये 4 आपके जो समास ये रह गए हैं अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, इसका वीडियो जारी किया गया, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया गया भी है, तो आप वहां से देख लें, ये 2 अंकों के आएंगे। परिभाषिक शब्दावली, ये भी 2 अंकों के आएंगे। परिभाषिक शब्दावली में आपके हिंदी में दिया हुआ शब्द हो सकता है, इंग्लिश में दिया हुआ शब्द हो सकता है, मुख्यतः आपके इंग्लिश में दिया हुआ शब्द होगा, हिंदी में उसका अर्थ पूछा जाएगा। जैसे कैबिनेट नाम दे दिया, इसका अर्थ क्या है वो आपको लिखना होता है, ये 2 अंकों का होगा। और पत्र प्रारूप लेखन में एक आपके अर्थशास्त्र के पत्र है, निविदा है, विज्ञप्ति है, इसका वीडियो अलग से जारी किया गया है, आप उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये 2 अंकों का होगा। निबंध लेखन जो है विकल्प सहित आएगा, 8 अंकों, विकल्प सहित का क्या है, जिसमें जैसे लगभग 4 निबंध आएंगे, 4 में से 1 आपको करना होगा, 4 आपको शीर्षक दिए होंगे, उन 4ों में से आपको 1 करना होगा। अब सृजन पुस्तक आती है जो 32 अंकों की है, 32 अंकों की, जिसमें से देखिए एक तो गद्य में से व्याख्या आएगी, एक पद्य में से व्याख्या आएगी, ये ध्यान रखेंगे, गद्य और पद्य इन दोनों में से एक एक व्याख्या आ जाएगी, ये नया शुरू किया गया है इसमें से व्याख्या का, तो ये व्याख्या आ जाएगी 4 और 4 का। निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, देखिए 4-4 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न गद्य में से आएगा और एक प्रश्न पद्य में से आएगा, एक तो गद्य में से और एक पद्य में से, यानी 2 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक 4 अंकों का होगा, तो ये 8 के हो गए। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 गद्य में से और 2 पद्य में से, 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, जिसमें से 4ों में से 2 किसके होंगे, 2 गद्य से होंगे और 2 पद्य में से होंगे, इस प्रकार होंगे। एक किसी कवि का या लेखक का, कवि या लेखक का, देखिए अपन जो वीडियो पढ़ते हैं उसमें कवि या लेखक का परिचय दिया जाएगा, कवि का दिया जा सकता है, लेखक का दिया जा सकता है, अथवा में भी दिया जा सकता है, ये दोनों ही बातें हैं,
और वो 4 अंकों का होगा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे एक गद्य में से एक पद्य में से, दो दो अंकों का। अति लघु उत्तरात्मक जिसका एक लाइन में उत्तर लिखना होता है, और वो दो प्रश्न होंगे, यानी दो प्रश्न होंगे दो दो अंकों के, और एक गद्य का होगा और एक पद्य का होगा, 4 अंकों का हो गए। आगे देखिए, आगे आपके पीयूष प्रवाह है जो 12 अंकों की है, कितने अंकों की है, 12 अंकों की पुस्तक है, जिसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प सहित। विकल्प सहित का मतलब अथवा में दिया होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें से दो प्रश्न आएंगे, दो में से आपको एक प्रश्न करना होगा जो 6 अंकों का होगा, बहुत ही अच्छा है, 6 अंकों का होगा, अथवा में आएंगे, ऑप्शन मिलेगा आपको। और लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 4, उनमें से 3 आपको करने होंगे और वो दो दो अंकों के होंगे। 4 प्रश्न आएंगे और 4 में से आपको करने कितने हैं, 3 करने हैं, 3 करने हैं, और वे 3 के प्रश्न है वो दो दो अंकों के होंगे, तो यानी 6 × 6 = 6 और 6 = 12 हो गए। फिर आती है आपके संवाद सेतु किताब। संवाद सेतु में देखिए एक प्रश्न आएगा समाचार लेखन में से 2 नंबर का, 2 अंकों का, और ये फीचर, संपादकीय, संपादकीय नाम पत्र, प्रतिक्रिया लेखन, एक प्रश्न आएगा 2 अंकों का, इनमें से एक प्रश्न आ जाएगा 2 अंकों का। साक्षात्कार लेने की कथा, इसमें से एक प्रश्न आएगा 2 अंकों का। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, इसमें से एक प्रश्न आएगा 3 अंकों का आएगा, ये ध्यान रखें ये 3-3 अंकों के होंगे। और एक है आपके वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, डायरी लेखन, इसमें से एक प्रश्न आएगा 3 अंकों का होगा, उसके प्रश्न के अंक कितने होंगे, 3 अंक होंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार आपके कुल मिलाकर के ये 80 अंकों के होंगे। तो आप मुख्य रूप से आपके जो पाठ है, अब आपके पाठ कौन से रह गए हैं, देखिए इसमें से आपके गद्य खंड में आपके एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ जो भय पाठ है वो आपको पढ़ना है, इसका वीडियो जारी कर दिया गया है। जैनेन्द्र कुमार का जो बाजार दर्शन है ये भी, इसका भी वीडियो जारी कर दिया गया है और आप इसे पढ़े, अच्छी तरह से याद करें। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ ठेले पर हिमालय, इस पार्ट को भी पढ़ा दिया गया है और अच्छा वीडियो जारी कर दिया गया है, आप पढ़ें वहां से। और उपेंद्रनाथ अश्क तोलिया जो एकांकी है, इसका वीडियो भी जारी हो गया है, आप इसे पढ़ें। और जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, इनको पढ़ना है। तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको गद्य में से पढ़ने हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है, बाजार दर्शन, ठेले पर हिमालय, तोलिए और ममता, ये आपको पढ़ने हैं। अब आपको काव्य खंड में से क्या क्या पढ़ना है, सूर का भ्रमर गीत, रहीम के नीति दोए, बिहारी ससई के कुछ पद, भूषण के वीरस के कवित, और शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा, ये सारे, इन पर ये जो 5 पाठ है इन 500 के वीडियो आपको जारी कर दिए गए हैं, और इनका, इन सभी कवियों के परिचय भी, इन लेखकों के परिचय भी, उनसे संबंधित काव्य सौंदर्य भी, और भी बहुत सारा जो है, जो भी पूछा जाता है वो सब इसमें जारी किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। पीयूष प्रवाह में आपके कौन से पाठ रह गए हैं, देखिए एक तो पंडित चंद्रधर शर्मा का लिखा हुआ जो है कहानी है, उसने कहा था, कौन सी कहानी है, उसने कहा था, बहुत अच्छी कहानी है ये, बहुत अच्छी, यानी ये सबसे प्रसिद्ध कहानी है, इतिहास प्रसिद्ध कहानी है ये, उसने कहा था। और मोहनदास करमचंद गांधी का लिखा हुआ सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग, ये पाठ भी आपको याद करना है। रेखा चित्र है आपके माधवी वर्मा का लिखा हुआ ये गोरा, ये पाठ आपको पढ़ना है। और राजस्थान के गौरव जीवन चरित्र, ये भी आपको पढ़ना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, ये 4 पाठ इसमें से आपको पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, तो 10 तो आपके सृजन में से हो गए और इसमें से 4 पाठ हो गए, किसमें से, पीयूष प्रवाह में से। और संवाद सेतु जो है उसमें से आपके सारे के सारे पाठ हैं, जो 5 पाठ है वो 500 पाठ आपके बरकरार है, और साथ में व्याकरण है, ये आपको कुल मिलाकर के पढ़ने हैं आपके, जैसे सृजन, पीयूष प्रवाह, संवाद सेतु, और चौथी किताब है आपके व्याकरण, ये 4 किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें। और इसके अलावा आपके जो संशोधित पाठ्यक्रम जो जारी हुआ है
उसमें हिंदी साहित्य का पहले ही आपको बता दिया गया है कि हिंदी साहित्य में क्या क्या दिया रहा है। इंग्लिश में आपको बता दिया है कि इंग्लिश में क्या क्या कम हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स, और हिंदी कंपलसरी में आज जो संशोधित है वो आपको बता ही दिया गया है। अब रहा क्या है, ज्योग्राफी में भी आज जारी हुआ है, ज्योग्राफी में भी आज पुनः संशोधित हुआ है, तो उसे आप अच्छी तरह से देख लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब पाठों को पढ़ेंगे और पढ़ने से बहुत ही कम आपके कोर्स रह गया है, कम पाठ्यक्रम रह गया है, अच्छी तरह से पढ़े और पढ़ करके जो भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप अवश्य मेरे साथ शेयर करें। और अब तो अपनी लाइव क्लासेज जो है वो भी शुरू होने वाली है, जिसमें हम लाइव में एक दूसरे से अपनी जो एजुकेशन से संबंधित जो चैप्टर है वो शेयर करेंगे, आप पूछेंगे और मैं बताऊंगा भी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा रहा होगा। अच्छा रहा है तो आप कमेंट में जरूर मुझे लिख के बताइएगा, मेरे पास आपके जो नंबर हैं उन नंबरों पे भी आप बता ही सकते हैं, जो आपके अपने जो नंबर हैं, ये जो नंबर दिए गए हैं 9610208295 पर आप अवश्य ही लिख करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।